जितनी जिंदगी जी चुके हैं ये देखा है कैसे पलक झपकते बीती है और किया अभी तो जवान थे आप बस कुछ ही दिन पहले अभी स्कूल में थे कॉलेज में थे और अभी बच्चे थे आप यूं ही दौड़ भाग रहे थे मैदान पर गलियों में अभी अभी है, है ना और अचानक आप पाते हैं कि आप तीस के हैं चालीस के हैं पचास के हैं साठ के हैं ये जो समय बीता है ये कैसे बीता है ये ऐसे बीता है चुटकी बजाते ऐसे ही बीता है ना तो जो शेष है समय वो भी कैसे बीतेगा कैसे बीतेगा देखिए अभी पैदा हुए थे आप बहुत पीछे की बात नहीं है वो और अगर पैदा होने का क्षण बहुत पीछे की बात नहीं है तो चिता पर लेटने का क्षण भी बहुत आगे की बात नहीं है यह है देखिए अभी आप पैदा हुए थे देखिए अभी अर्थी उठ रही है देखिए अभी चिता को अग्नि दी जा रही है बहुत आगे की बात है सीमित है ना समय एकदम सीमित है तो क्या करना है भूल मत करो राख और मिट्टी को खून और पानी को हड्डी मांस को आत्मा का दर्जा मत दो आत्मा अमर होगी नहीं मिटती होगी काया कितने दिन की मेहमान है कल बस कल हम्म तुम नहीं रहोगे इसी को अध्यात्म कहते हैं अध्यात्म क्या है स्वयं को जानना ही अध्यात्म है आत्मा को जानना नहीं मन को काया को इस नश्वर अस्तित्व को ही जानना अध्यात्म है जो इसको जान गया वो जानने वाले में स्थापित हो जाता है आत्मा जानी नहीं जाती आत्मस्थ हुआ जाता है दो बहुत अलग अलग बात है आत्मज्ञ होना असंभव है आत्मस्थ होना संभव है तो अध्यात्म पूरा यही है जानना कि कल नहीं रहोगे छोटी छोटी चालें चालाकियां छोटे लाभ छोटी हानियां और ये सब बड़े उलझाऊ होते हैं इनमें उलझ जाओ समय कैसे बीतेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा दिन महीने साल दशक कहाँ फिसल गए समझ ही नहीं पाओगे एक सौ का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहां कर रहा हूं करते हो कि नहीं जिंदगी की कीमत सौ के नोट से भी कम है क्या कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहां खर्च कर रहे हो क्या किया आज तीन घंटे क्यों किया क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहां जहां कर रहे हो कोई कारण तो बताओ जहां अपना समय रोज लगा रहे हो वहां क्यों लगा रहे हो भाई तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज कहीं पर व्यय कर रहे हो क्यों क्यों बरसाती कीड़े का सा है आदमी का जीवन ऐसे बीत जाता है और हम इसी भ्रम में हैं कि अभी समय बहुत है हमारे पास जब समय लगता है कि बहुत है करीब करीब यही भाव रहता है कि हम तो अभी चलेंगे हम अपने आप को आत्मा ही मानता है ना अहम अपने आप को सत्य ही मानता है सत्य माने आत्मा तो जब अपने आप को आत्मा मानता है तो अपने आप को अमर भी मानता है तो भाव हमें यही रहता है कि हम अभी चलेंगे अमर जैसे ही हैं और जहाँ ये भाव आया कि हम अभी चलेंगे तहाँ तुम समय का सम्मान करना छोड़ देते हो जहां ये भाव आया कि हम तो अभी चलेंगे हम ही आत्माए हम ही अमर है तहा तुम समय व्यर्थ करना शुरू कर देते हो याद रहे अगर कि एक ही पूंजी है और वो हाथों से फिसलती जा रही है तो कैसे वो सब कुछ कर पाओगे जो करते हो रोज दम नहीं घुटेगा घिन नहीं आएगी अपने मिनट अपने घंटे मूर्खताओं में बर्बाद करते हुए पंद्रह साल हटा दो किशोरावस्था तक के आखिरी के भी दस साल हटा दो कितने हटे पच्चीस और मान लो कि तुम्हारी उम्र जितना तुम जियोगे वो है कुल पचहत्तर बहुत दिया बहुत सारे लोग इतना चलेंगे नहीं पर दिए कितने दिए पचहत्तर पचहत्तर में से अभी कितने उड़ गए पच्चीस अब एक तिहाई उसमें सोने के हटा दो कितने उड़ गए कुल पचास ठीक पचहत्तर में से हटा रहे हैं पंद्रह हटाए किशोरावस्था तक के दस हटाए बुढ़ापे के पचीस हटाए सोने के तो अब कुल कितने हट चुके हैं पचास और उसमें से दस करीब और हटा दो नित्य क्रियाओं के ये जो सुबह उठते हो फिर खाना खाने में समय लग रहा है नाश्ते में समय लग रहा है मुंह धो रहे हो स्नान शौच कर रहे हो जी रहे हो तो कुछ कमाना भी पड़ेगा उसमें भी कुछ तो न्यूनतम समय लगाओगे ही ये वो समय है जो तुम्हारी मर्जी से नहीं जा रहा तुमसे छीना जा रहा है सड़क पर समय लग रहा है खड़े हुए हैं ट्रैफिक लाइट के सामने वो कोई समय का सदुपयोग है तो ऐसे भी करीब हटा दो दस पंद्रह साल तो पचास में जोड़ दो पंद्रह और कितने हटे पैंसठ तो आदमी को कुल समय कितना मिलता है कुछ सृजनात्मक सकारात्मक कर लेने के लिए कि जीवन सफल हो पाए मंजिल तक पहुंच पाए कितना मिलता है दस साल मिलता है वो भी तब जब पिछहत्तर दिए हैं पिछहत्तर अगर दिए हो तो उसमें से दस साल मिलते हैं कुछ करने के लिए और दस साल तो तुम कब के गांव आए छोड़ो ना दस साल तो धुएं में उड़ा दिए हमें बिल्कुल होश नहीं आता बिल्कुल होश नहीं आता देने वाले ने कुल दस साल दिए होश के और ऊर्जा के कि कुछ कर सकते हो तो कर लो होश किस चीज ने ढक लिया कभी काम वासना ने कभी ईर्ष्या ने कभी पैसे ने और ऊर्जा कहाँ चली गई इन्हीं चीजों में कभी दुकान चलाने में कभी घरेलू पचपच में कभी औरतों के पीछे भागने में कभी आदमी के पीछे भागने में इतने लफड़े पचड़े हैं दस साल तो उसके लिए बहुत कम है ना हमने जो पैंसठ साल गिने थे उसमें लफड़ों के लिए साल गिने थे क्या अभी तक पिछहत्तर में से अभी साल हमने कितने हटाए थे पच्चीस सोने के पंद्रह बचपने के दस बुढ़ापे के और पंद्रह नित्य क्रियाओं के उसमें अभी हमने प्रपंचों के साल तो हटाए ही नहीं थे हटाए थे दो दो चार चार घंटे डार्लिंग डार्लिंग वो तो भी गिना ही नहीं था कि गिना था गिना था और सप्ताहांत आया है तो वीकेंड पर दोस्तों के साथ चार चार छह छह घंटे की शराब की महफिल और बकवास गॉसिप वो तो अभी हमने गिना ही नहीं कि गिना वो सब किसमें से जा रहा है वो जो कुल दस साल बचे हैं और वो सब करने के लिए दस साल तो बहुत कम है, है ना उसमें तो हम पहले ही शायद दस से ज्यादा साल निकाल चुके हैं तो अब बचा क्या है हाथ में झोली खाली सोना कम कर नहीं सकते बचपन में जो पंद्रह गंवा दिए वो लौट के नहीं ला पाओगे नित्य क्रियाओं में समय लगेगा ही लगेगा बुढ़ापे पर कोई बस नहीं और जो कुल दस साल का शेष समय मिला था वो तो कब का उड़ा दिया धुएं में अब कहां किसके लिए रहे हो भाई जीने का फायदा क्या है? ये तो बता दो